अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिंधी मुन्ना। मैं हूँ हामिद हबीब और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि कल सुबह मेरे छोटे सा लड़का है निका, वो भी कराची में। तो आज रात मैं अपने बच्चों को लेके आया हुआ हूँ अपने ससुराल और आज की रात यहाँ पे रुकने वाले हैं और कल सुबह जो है कि हमने जाना है कराची। तो घर के अंदर थोड़ा शादी वाला माहौल लगा हुआ है, जैसे घर के अंदर गाने शाने से बजाते हैं तो उसके अंदर हातिम साहब बहुत इंजॉय कर रहा है बाहर। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और साथ साथ दिखाता हूँ कि कल जो है कि हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की है और क्या क्या लेके जाने वाले हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। निकाह के हिसाब से कल जुम्मे का दिन भी है तो ये वाला वाइट सूट ये मैंने अपना किया हुआ है रेडी, तो कल मैं ये पहनने वाला हूँ। साथ ये आप देख सकते हैं निरोजी, इसके नीचे ये निरोजी पहनने वाला हूँ। हारिस और आतम के दोनों के वाइट सूट बनवाए हैं सेम कॉटन के अंदर, तो हारिस और आतम ये वाले सूट पहनेंगे कल निकाह पे। और भाई दूल्हे की तरफ से ये देख रहे हैं भाई कबूल है कि ये शॉपरें बनाई हुई हैं जो कल निकाह के बाद जो बांटते हैं, और ये दुल्हन के लिए एक दूल्हे की तरफ से छोटा सा गिफ्ट बनाया हुआ है। ये अभी पैक है, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको दोबारा पैक किया है, तो अभी अगर खोलूँगा तो दरम बरम हो जाएगा। इसके अंदर क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके अंदर चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें खाने पीने के हिसाब से, और साथ में फ़ोटो फ्रेम जैसे भाई दुल्हा दुल्हन के, वो पूरा मतलब कि बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। और साथ ही साथ भाई ये जो है कि दुल्हन की जो है कि चादर ओढ़ाते हैं और चूड़ियाँ वगैरह ये सामान भी साथ लेके जा रहे हैं। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ बाय, वहाँ पे हातिम जो है कि गानों के ऊपर कैसे एंजॉय कर रहा है वो दिखाता हूँ। तैयारियां कुछ इस तरह हो रही है, घर वालों ने मेरे को जोरी जबरदस्ती लगाया भाई, देख रहे हो भाई। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, उसके बाद अब ये वाइट वाइट सा ही हो रहा है। और ये हातिम साहब ने इधर पे तबाही मचाई हुई है और हारिस ने दोनों ने जो है ना इनकी यहाँ पे नानों के घर पे आने के बाद इनके ये तमाशे शुरू हो जाते हैं। और इसने पूरे फूल वूल ये वो सारे तबाह किए हुए, हाथों ने पीछे चुके थे। तूने क्या किया वो तो बता, वो बता, वो बता। मैंने क्या तो वो वाला मास्क उतारने के बाद अभी ये वाला घर वालों ने मुझे लगाया हुआ है। और अभी जो है कि लाइटें हमने कर दी हैं बंद क्योंकि सोने का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया ज़्यादा, सुबह जल्दी उठना भी है। लेकिन ये जो है ना शैतान दोनों ये अभी तक नहीं सो रहे, और पहले मैं इनको सुनाऊँ, जब तक ये भी सूख जाते हैं तो ये हटा के फिर सो जाएंगे। आतम भाई सो जाओ, आप जल्दी करो, अब आप ज़्यादा फ्री नहीं हो, टाइम ज़्यादा हो गया। सुबह आपने चलना नहीं है, चलना या नहीं चलना, तो सो जाओ। तो ये सब हो गया सोने का टाइम, अभी सोते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह हो गई है और सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी नींद से उठा हूँ मैं और अभी फ्रेश फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े पड़े चेंज करूँ, रेडी होता हूँ और फिर निकलते हैं कराची। और अभी जो है ना इस टाइम मैं अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने मुंह नहीं धोया हुआ था। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हो गया हूँ रेडी अब देख सकते हैं। और हमें यहाँ से निकलना था 12:30 बजे, लेकिन जो है कि दुल्हा साहब जो हैं हमारे वो काफ़ी देर तक सोते रहे तो अभी उठे हैं नींद से, जिस वजह से हमें हो गई है थोड़ी सी देर। वो जैसे रेडी हो जाएं तो हम निकलते हैं, वो अभी तक ऐसे ही घूम रहे हैं।
जल्दी कर ले भाई, दूल्हा साहब है हमारा, ये अभी तक जो है ऐसे फिर रहा है और इसको जो है कि कमीज जोरी जबरदस्ती पहनानी पड़ेगी, ऐसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इतना जल्दी निकलने वाला है। दूल्हे साहब हमारे हो गए हैं रेडी और दूल्हे साहब की नज़र उतार रही हैं मेरी सासू माँ और अम्मी। दूल्हे साहब अपनी शक्ल दिखाइए। माशाल्लाह भाई, आज तो आपके चेहरे पे नूर ही अलग है, क्या बात है। नूर नहीं है, नुकसान है। अच्छा, नुकसान हो रहा है। तो भाई रेडी होके निकल गए हैं, अभी हम हैं गाड़ी के अंदर रास्ते में। दो गाड़ियां जा रही हैं आगे और हम लोग हैं वैन के अंदर और पूरी फैमिली है साथ। तो हमने अभी नूरियाबाद कर लिया है क्रॉस और माशाल्लाह से मौसम हो गया बहुत ज़बरदस्त और यहाँ पे हो गई है बारिश स्टार्ट। तो ये मलीर कैंट के करीब पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह से यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी बरसातें पड़ी हैं सिंध के अंदर, तो रोड के साइड के जो हिस्से हैं माशाल्लाह हरियाली हरियाली है पूरे रास्ते पे। फाइनली व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं कराची और जिस सोसाइटी के अंदर हमने आना था वहां पे पहुंच गए हैं और अभी अंदर का माहौल देखते हैं क्या है, उसके बाद यहां पे निकाह पढ़ाया जाएगा। निकाह पढ़ने के बाद जो भी रस्मात होती हैं वो आपके साथ करेंगे शेयर, हमारे साथ रहिएगा। भाई हम पहुंच चुके हैं, ये है वो घर जहाँ पे आज है प्रोग्राम। अच्छा और गैस को ले पाकि अर्शी है अल्हम्दुलिल्लाह से तो आ गई है वो घड़ी जिसका था इंतज़ार, जिसके लिए हम आए थे और अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और अभी मस्जिद में इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अभी मगरिब की नमाज़ के बाद होने वाला है निकाह। तो अभी चलते हैं निकाह की तरफ। अब